इंडिया के ऑस्कर 57th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स में कौन कौन रहे विनर, किस किस को मिला मौका ब्लैक लेडी को अपने घर ले जाने का। वेल, जूम आपको एक एक डिटेल देने जा रहा है। रणबीर कपूर को फिल्म रॉकस्टार के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो विद्या बालन को ऊलला के लिए, हमारा मतलब द डर्टी पिक्चर के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और इस अवार्ड को लेने के बाद विद्या फूली नहीं समा रही थी। जिसकी उम्मीद थी वो मिल गई, तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। हमारे ऑडियंस के लिए जरा शो करके दिखाएंगे उस खुशी के साथ। ये अवार्ड उन सारे ऑडियंसेस के लिए है जिनको ये फिल्म अच्छी लगी, जिनको मेरा काम अच्छा लगा, जिसके वजह से ये मुझे मिली है। थैंक यू वेरी मच, लव यू। इसके अलावा ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर स्टारर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा स्नैप्ड अप 7 मोस्ट पॉपुलर अवार्ड्स। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, बेस्ट मूवी क्रिटिक्स, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी एंड बेस्ट कोरियोग्राफी, जिसे पाकर फिल्म की डायरेक्टर जोया अख्तर लग रही थी काफी खुश। बेस्ट डायरेक्टर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो जो उम्मीदें थी इस फिल्म से पूरी हो गई, आई मीन ईयर एंड हो गया, नया साल हो गया, एक ब्लैक लेडी हाथ में आ गई। या इट्स परफेक्ट, इट्स अ परफेक्ट रैप टू द ईयर। ओके, इसके अलावा फैमिली में काफी सारे अवार्ड्स आए हैं, तो किस तरह से सेलिब्रेशन होने वाला है? पता नहीं, आज तो बहुत लेट हो गया है, तो कल देखेंगे। वेल, जहां एक तरफ अवार्ड्स लेने में जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की धूम रही, वहीं रणबीर कपूर की रॉकस्टार भी पीछे नहीं रही। यस, रणबीर कपूर रॉकस्टार वाज नॉट फार बिहाइंड विद 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट लिरिक्स अवार्ड एंड बेस्ट प्लेबैक मेल। वेल, अब जरा हम आपको इन अवार्ड्स की डिटेल में देते हैं। 57th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डायलॉग के लिए और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल के लिए फरहान अख्तर को मिला अवार्ड, जिसे उन्होंने जूम पर रिवील नहीं किया। सो फरहान, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। ऑडियंस को बताइए किस लिए आपको अवार्ड मिला। ये ऑडियंस खुद में खुद देख लेगी जब वो फिल्म फेयर अवार्ड्स देखेगी। मैं सरप्राइज करूं उनका, थोड़ा शो तो कर दीजिए। वेल, ये दिस इज वन ऑफ देम, सो थैंक यू फिल्म फेयर। तो बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए फिल्म डेली वैली के अक्षत वर्मा को दिया गया अवार्ड। बेस्ट स्टोरी के लिए फिल्म आई एम कलाम को अवार्ड मिला। तो बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के लिए प्रियंका चोपड़ा को फिल्म 7 खून माफ के लिए, जिसे पाकर प्रियंका के चेहरे पर आ गई मुस्कुराहट। आई थिंक अवार्ड्स इन जनरल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, एंड बहुत इम्पोर्टेंट इन द सेंस दे गिव यू अ सेंस ऑफ एनकरेजमेंट कि आप बेहतर काम करते रहें, एंड मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं मिलते तो ना। ओके, सो ज़ैना का इम्पोर्टेंट जो रोल है अभी आपके, आई एम श्योर आपके करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वो, तो कितना स्पेशल है वो आपके लिए सुज़ैना का? सुज़ैना बहुत स्पेशल थी मेरे लिए, बहुत हार्ड वर्क किया है हमने पूरी टीम ने। यू नो, वी यूज़ टू स्लीप 3 आवर्स क्योंकि मेकअप में 6-6 घंटे लगते थे वगैरह, एंड विशाल सर के साथ बहुत सारे वर्कशॉप्स हुए सब, नसीर सर के साथ, सो यू नो दिस फील्स ग्रेट। वेल, हम आपको बता दें कि यहाँ बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को उनकी नो वन किल्ड जेसिका में दमदार परफॉर्मेंस के लिए मिली ब्लैक लेडी, तो अरुणा ईरानी को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो कुछ इस तरह सितारों से सजी एक शाम रखी गई थी सितारों के नाम, जहां हर साल की तरह बॉलीवुड के कई टॉप स्टार्स ब्लैक लेडी मिलने पर ऐसा महसूस कर रहे हो मानो आसमान छू लिया हो। फॉर सलमा खान, चेतना सिंह एंड कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।